नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार। यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका में जिला यमुनानगर में अवैध खनन पर सरकार से ताज़ा रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट बरियाम सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में जिला यमुनानगर में हो रही अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के कारण राष्ट्र संपत्ति सड़कों को नुकसान तथा यमुना नदी के तटबंधों को हो रहे नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय और प्रयासों के बाद एक बार फिर उच्च न्यायालय ने अवैध माइनिंग पर कड़ा रुख इख्तियार किया है और सरकार को 21 फरवरी 2023 तक जिला यमुनानगर में यमुना नदी के अंदर हो रहे अवैध खनन पर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। यमुनानगर के अंदर अवैध खनन को लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में 2017 में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में हाल ही में जो यमुना नदी के अंदर की अवैध खनन है उसकी स्थिति की जो मौजूदा रिपोर्ट है वो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के को आदेश दिया है कि तलब किया है कि रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया जाए। देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अमला है जो मिलीभगत होकर के निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा के जिला यमुनानगर में अवैध खनन, ओवरलोड और राष्ट्र संपत्ति सड़कों को नुकसान पहुँचा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने रविवार को अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंडी में किसानों से बातचीत की व तोल कांटे की भी जांच की। अनाज मंडी में निरीक्षण के बाद रतन मान ने आड़ती शिव कुमार संधाला की दुकान पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों की फसल पहले ही बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आज किसानों ने उनके समक्ष मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बारे समस्याएं बताई, जिस कारण किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों को आ रही परेशानी को जल्द दूर करने की मांग की है। इससे पूर्व रतनमान धोलरा में किसान रमेश सिंह ढिल्लो के पिता व पत्रकार रविंदर सैनी की माता के निधन पर शोक जताने उनके निवास पर पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बीजेपी पार्टी की ओर से क्षेत्रीय गांव नागल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा कर्णदेव काम्बोज मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान गांव के सरकारी स्कूल के प्रांगण में पीपल व बरगद के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आम आदमी पार्टी किसान विंग द्वारा असन से शुरू की गई किसान मजदूर गांव जोड़ो यात्रा आज देर साय गांव धोड़ंग में पहुंची, जहां आपके वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा धोड़ंग के कार्यालय पर इस यात्रा की अध्यक्षता कर रहे आप किसान विंग के हरियाणा व दिल्ली प्रभारी गजेंद्र सिंह व यात्रा के संयोजक शेर प्रताप सिंह सेरी का कार्यकर्ताओं ने फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में गजेंद्र सिंह ने कहा कि आज भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी किसानों, मजदूरों व जनता की समस्याओं को जानकर उन्हें हाईकमान के पास भेजेगी। हमारे कहना ये है कि जो किसानों का आंदोलन चला उसमें किसानों की बातों को नहीं सुना गया और वे कानून भी वापस हो गए, लेकिन जो किसानों के मूल मुद्दे थे वे आज वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं और सरकार उस पर पूरी निकम्मी बनी हुई है, उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। उसका उदाहरण जो है हमारे हरियाणा में है, खट्टर सरकार बिल्कुल किसान मजदूर विरोधी है और किसान हितों पर कोई भी इन्होंने निर्णय नहीं लिया है। आप फसलों का भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे वर्षा में और उस पर इन्होंने कोई जारी नहीं किया, जबकि केवाईसी में जो किसान कर्ज ले रहे हैं वो सारे बीमे के पैसे काट लेते हैं लाखों रुपये और उनका कोई फ़ायदा नहीं है। किसान को उसका कोई हक नहीं मिलता, बीमे का उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उसकी आड़ में जो बीमा कंपनियां हैं वो देश को लूट रही हैं और हमें तो ये जानकारी हुई है कि उसका हिस्सा सरकार ले रही है, किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।